के फ्रेंड बनने जा रहा है मिक्स वेज, और उसकी तैयारी हो चुकी है। आप लोग से थोड़ा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड बताइए, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड आज मतलब बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत खास दिन है, और आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और आज हमारे बेटे का बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है, आज वो 2 इयर्स का हो गया। तो सुबह से मैं कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अभी जो है अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, और 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो शुरू होने वाला है खाने की तैयारी। और आप लोग ये देख सकते हैं, इनको देख लीजिए, सारे जो है सब्जी में ये पानी डाल दिए हैं, मुंह में बैलून डाले हैं। तो फ्रेंड यही सब हो रहा है, तो अभी मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ और आप लोग से शेयर करूँगी आज की वीडियो। तो चलिए एंजॉय करिए वीडियो को, देखिए क्या क्या होता है बर्थडे में बाबू के, और आप लोग अपनी अपनी जो है प्लेसेस बाबू को दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड ये देखिए, मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ, रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं मिक्स वेज की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और इधर देख लीजिए, डेकोरेशन हो रहा है और मेरे पास टाइम था नहीं, तो जो है बगल में एक भैया हैं, वही आके डेकोरेशन कर रहे हैं। और सुंदरकांड का प्रोग्राम है और केक कटिंग होगी, यही सब है आज का। मेरे बाबू का आज है बर्थडे और आज 2 इयर्स का वो हो गया है, और 3 अप्रैल है आज। तो ये वीडियो जाएगी कल, ये देख लीजिए आप। और अभी अभी ये सो के उठ रहे हैं और सब देख रहे हैं कि क्या है, क्योंकि सो के जब सोए थे तो ऐसा कुछ नहीं था। और इधर हमारे भगवान जी विराजमान हो गए हैं और आधा डेकोरेशन हो गया था, ये देखिए ये फाइनल है। और कितना अच्छा बैलून लग रहा है हर जगह, बाहर अंदर, और ये बाहर से आप लोग को दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना एकदम बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है क्योंकि टाइम नहीं था, तो हल्का ही हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये सुंदरकांड करने वाले सारे भैया लोग आ गए थे, तो इसलिए ज़्यादा और नहीं बैलून लग पाया। और बैलून तो बहुत सारे थे लेकिन पूरा लग नहीं पाया था। तो ये आप लोग पूरा देखिए और बताइएगा कि कैसा डेकोरेशन हुआ है, और मेरे बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा था, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और बर्थडे को पूरा एंजॉय करिएगा और फुल वीडियो वॉच करिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चले कि बर्थडे में क्या। और ये देखिए बैलून, सारा जितना बैलून नीचे था सारा निकाल रहा है बाबू, और आज ये इतना मस्ती किया है। और ये मेरी जो मतलब ये दोनों भाभी बैठी हैं और बगल में है मेरी एक आंटी लगती हैं, वो हैं, तो यही सब लोग, ज़्यादा लोग को बुलाए नहीं थे क्योंकि हल्की फुल्की सी मेरी तबीयत ख़राब थी और एक बैग प्लानिंग हो गया। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए जो है ये हुआ कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तो जब जो भगवान को पसंद रहता वही होता है, तो मेरे भगवान जी को पसंद था सुंदरकांड होना, तो एक बैग से प्लान बन गया और जो है सुंदरकांड होने लगा। और ये देखिए सब लोग बहुत अच्छा सुंदरकांड किए थे। मैं इसमें जो है म्यूट कर दी हूँ क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो इसलिए म्यूट कर दी हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चे बहुत आए थे, खूब बच्चों ने एंजॉय किया। और इधर हो गया है ख़त्म, तो मैं कर रही हूँ आरती, और मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि तुम कर लो क्योंकि आ गए थे बाहर सब लोग, तो इनको बाहर भी देखना था, तो इसलिए मैं अकेली ही कर रही हूँ। बाबू भी बीच बीच में आ जा रहा था और बहुत मज़ा आया था, बहुत ही इंजॉय किए बच्चों ने। और मेरी सिस्टर नहीं आ पाई थी, उसके बच्चे नहीं आ पाए थे किसी रीज़न से, बहुत हम लोग उसको मिस किए हैं,
मेरी भाभी वो भी नहीं आ पाई थी गांव से, और बड़ी भाभी आई थी उसके बाद वाली भाभी नहीं आ पाई थी, तो ज़्यादा लोग आ नहीं पाए थे। मेरी भतीजी आने वाली थी तो रात हो गया इसलिए नहीं आ पाए थे, नहीं तो आप लोग से मिलवाते। और बहुत जल्दी भगवान चाहेंगे तो मिलवाएंगे। मैं अपने मायके की फैमिली से, मेरे भैया आए थे मुझसे बड़े हैं, तो बाबू का तिलक करेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। पहले तिलक किए हैं मेरे भैया थे। तो यही सब था वीडियो बाबू का और बर्थडे का। बहुत मतलब बहुत इन्जॉय किया है, उतना छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। और ये देखिए खूब मस्ती किए थे आज ये, और ढेर सारे बच्चे आए थे तो इसलिए बच्चों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं बस बच्चों की पार्टी रखी थी। और जो है बड़े नहीं आ पाए थे ज़्यादा, तो आप लोग देख सकते हैं जो है ये जो है एक किनारे रेड साड़ी में है, वो जो है मेरी वो जो काम करती हैं वो भी आ गई थी इस टाइम पे, उनको हम बुलाए थे खाना देने के लिए। और ये आंटी हैं, भाभी हैं, यही सब लोग, चार पांच लोग आए थे लेडीज, बच्चे ज़्यादा थे और बच्चों की पार्टी थी तो बच्चों को ज़्यादा बुलाए थे, और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। मतलब बस एक ही मिसिंग हो गया था कि बहुत ज़्यादा देर हो गया था, बच्चे डांस नहीं कर पाए, इसके लिए बहुत बच्चे परेशान थे। और जो मेरी बेटियां भी बहुत तैयारी की थी डांस के लिए नहीं कर पाई, तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बर्थडे में करेंगी फुल इंजॉय। ये देखिए बाबू भी आ गया था, कह रहा था मम्मा मी मैं भी आरती करूँगा, और इनको बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। आरती करने में टाइम लग गया था क्योंकि हनुमान जी का हुआ, रामायण जी का हुआ। तो यही सब वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी होगी आप लोग और इधर देखिए, इधर रूम में सब लोग आरती होने के बाद जा रहे हैं बाहर, इधर बाहर से आ रहे हैं आरती के लिए, मतलब आरती लेने के लिए। और वहाँ रूम में मेरे भैया, मेरे बहन के हस्बैंड और बगल के अंकल जो तीन चार लोग, यही सब लोग बैठे थे। और आरती हो गई है समाप्त, और अब शुरू होगा केक कटिंग, और केक कटेगा उसके बाद डिनर की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज चुके थे। और तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो ये देखिए केक आ गया है फाइनली, और ये चॉकलेट फ्लेवर का है। बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा चॉकलेट फ्लेवर का मंगवाइएगा, घर पे नहीं बनाए थे। तो इसमें आप लोग को नाम कुछ और लग रहा होगा, लेकिन मेरे बेटे का नाम आद्विक है तो वही लिखा गया है। और इधर देखिए बर्थडे बॉय बर्थडे कैप लगा के खड़ा है, और मैं अपने भतीजे के लिए भी मंगाई थी बर्थडे कैप, दो मंगाई थी, एक बहन के लड़के के लिए और एक अपने भतीजे के लिए, दोनों नहीं आ पाए थे। तो एक तो ऐसे रखा है और एक मैं लगा दी हूँ, ये भी मेरे बहन की बिटिया थी, वो भी छोटी थी। तो ये देखिए येलो जो टीका कर रहे हैं येलो शर्ट में, ये मेरे बड़े भाई। तो फ्रेंड इधर सबका डिनर चालू हो गया, डिनर में बनाई थी मैं मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, पूड़ी, पापड़, सलाद, यही सब था।